मैंने झूठ कहा कि मैं कोई और हूँ। ना चाहते हुए भी सब कुछ गलत हो जाता है। आप एक अच्छे दिल के मालिक हैं और मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे। कर देंगे ना माफ? समझ गया था कि तुम सही होगी। क्या वाकई? हाँ, तुम ही हो शायद जो उसे बदल सकती हो। तुम्हारी जैसी लड़की पहली दफा उसकी जिंदगी में आई है। मुझे और मेरी फैमिली को मुसीबत से बचाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। लैला और फिरोज आंटी के झूठ पे भी पता डालने का शुक्रिया। मेरे बाबा के सख्त अल्फाज बर्दाश्त करने के लिए, होटल में रुकने के लिए, मुझे घर पे वक्त पे छोड़ने के लिए, मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते? वो है ही खूबसूरत। देखा नहीं था वो लड़की लाल ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी? और कोई भी लड़का उसे देखकर अपना दिल खो सकता है। ये नहीं हो सकता। चुप चुप चुप। हमें उससे और दमीर को एक करना ही होगा। हम लोग फंसने वाले हैं। कुछ सोचो मेरे दोस्त। अब क्या मसला हो गया फारूक? उसने यिल्दिरम के होटल के पेपर्स देख लिए। क्या? उसे कुछ समझ नहीं आया मगर शक जरूर हो गया है। हम इतने सारे पैसों का हिसाब किताब इतने छोटे बिल से पूरा नहीं कर सकते। अब समझ आया कि एहसन साहिबा को खतरनाक क्यों कह रहा था। मैं ये नहीं समझना चाहता। जाओ एहसन से बात करो, वही हमें इस मुश्किल से निकाल सकती है।